Bismillahirrahmanirrahim. Let's start off our discussion with the next subsection, which is about transport of respiratory gases. अगर हम रेस्पिरेटरी गैसेस की ट्रांसपोर्ट की बात करें तो बेसिकली हम दो गैसेस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं एक ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज सेकेंडली कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट फ्रॉम टिश्यूज़ टू द लंग्स सो बेसिकली इस सब सेक्शन में हमने इन्हीं दो एरियाज़ को डिटेल से डिस्कस करना है कि मैकेनिस्टिकली किस तरह से ऑक्सीजन लंग्स से टिश्यूज़ तक पहुँचती है और कार्बन डाइऑक्साइड ये टिश्यूज़ से लंग्स तक पहुँचती है सो so ये सीन है कि ये ग्राफिकल फोटोग्राफ है हमारे पास यहाँ पे ये एलवियोलस है और ओवरऑल वी हैव गॉट दिस एंटायर स्ार्डियो सिस्टम राइट और उसके बाद फिर है वी हैव गॉट द जनरल बॉडी सेल सो ये जनरल बॉडी सेल है कोई भी सो so इसमें बेसिकली एनवायरनमेंट से जो ऑक्सीजन है इनहेलेशन के नतीजे में एलवियोलस के लोमन में जाती है और वहाँ से ये पुलनरी कैपिलरी में जाती है अब वहाँ से ट्रैवल करते हुए अल्टीमेटली ये जाती है इन टू सिस्टमिक कैपिलरी और वहाँ से फिर ये एंटर होती है इन टू द बॉडी सेल अब ये जो ट्रैवलिंग है आप ये कह लें ये जो ट्रैवलिंग है फ्रॉम द लंग लेवल या पुलनरी कैपिलरी से सिस्टमिक कैपिलरी तक अल्टीमेट ये जो ट्रैवलिंग है ये बेसिकली है कि ओवरऑल हमने अब ये देखना है कि मैकेनिस्टिकली किस तरह से ऑक्सीजन जो है ये सारी की सारी ट्रैवलिंग करती है और उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी सेल में या टिश्यू सेल में प्रोड्यूस होती है वो फिर आती है सिस्टेमिक कैपिलरी में और वहां से फिर ये ट्रेवल करती है टूवर्डरी कैपिलरी अल्टीमेटली जहां से